इन्वेस्ट पंजाब एक समिट हम कर रहे हैं 22nd and 23rd of February को। पूरी दुनिया से वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं। पंजाब जो है वो नंबर वन स्टेट थी, क्योंकि पहले जब भी कोई मुंबई से भी जाते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनसे हिस्सा मांगा जाता था प्रॉफिट में मेरा कितना होगा। पहले जो भी जाते थे वो दो परिवारों के साथ एमओयू करने पड़ते थे, तो परिवार रूल कर रहे थे पंजाब को। अब जो भी जाएगा वो 3 करोड़ पंजाबियों के साथ एमओयू करेगा, कोई किसी का हिस्सा नहीं, सिंगल विंडो सिस्टम, और कोई हौश पौश नहीं, कोई उनको कोई खज्जल खुआरी नहीं होगी कोई परमिशन लेने में। मैं मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आया हूँ जी, बहुत से तो पंजाबी हैं, तो उनको मैं ये कहने के लिए आऊँ अपने वतन की धरती को ये अच्छा करते हैं जी। बहुत अच्छा मौका मिला है, लोगों की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे किए, तो पूरी दुनिया में चर्चा है। हम भी स्कूल, और कल ही मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करके आया हूँ, मोहल्ला क्लिनिक 26 जनवरी को, 27 जनवरी को अरविंद जी आएंगे अमृतसर में, और 500 मोहल्ला क्लिनिक और जो है लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे। तो हमारी राजनीति स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, हमारी राजनीति ये है। हम ये नफरत की राजनीति नहीं करते। और मुंबई में मैं बहुत सालों बाद आया हूँ, वैसे तो पहले मुंबई से मेरा बहुत ही नाता, जो मैं लोखंडवाला में रहता था, मैंने फ्लैट भी ले रखा था जब लफ्टर चैलेंज वगैरह चलता था, तो कुछ पुराने दोस्तों को भी मिलूँगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे यहाँ पे जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम फिल्म सिटी भी वहाँ पंजाब में बहुत बड़ी फिल्म सिटी प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनसे आग्रह करूँगा, बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं कि आइए वहाँ पे आके अपना स्टूडियोज़ बनाइए, क्योंकि जो पंजाबी है, पंजाबी बॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और यहाँ भी बॉलीवुड में अगर कोई गाना सुखविंदर सिंह का ना हो किसी भी मूवी में, तो फिल्म को अपने म्यूजिक को वो सिक्योर नहीं मानते कि दिखेगा नहीं। तो ऑलमोस्ट 80% मूवीज पंजाबी स्टोरीज पर बन रही हैं, जब भी मैट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और शूटिंग भी वहाँ होती है, क्यों ना वहाँ पे ही एक ऐसा सेटअप कर दिया जाए कि वो वहाँ पे शूटिंग भी करें, पोस्ट प्रोडक्शन भी वहीं पे हो। राहुल गांधी जी क्या बोलूंगा उनके बारे में, उनकी तो सारी तलिका, तो दिल्ली में उनकी कितनी सीटें, एमएलए कितने, 0, एमपी कितने, 0, वो तो दिल्ली से भी नहीं चलते हैं। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोगों ने, उन्होंने डिक्लेयर किया कैप्टन अमरिंदर को सीएम बनाया, अचानक से उतार के चन्नी बना दिया, तो लोगों से पूछा था दिल्ली से है। हरीश चौधरी और हरीश रावत दोनों बनाए प्रभारी, क्या हरीश चौधरी मोगा से है, हरीश रावत क्या मलेरकोटला से है? अभी सुक्खू जी 1 महीना उनको कैबिनेट नहीं बनाने दी, तो कहां से कैबिनेट, अगर सुक्खू जी चाहते तो मैंने अपनी कैबिनेट नेक्स्ट डे डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है ना। तो सुक्खू जी को 1 महीना लग गया, उनके साथ पैदल यात्रा भी करनी पड़ी कि सर फाइनल कर दो। तो कम से कम राहुल गांधी तो ये ना बोले, जो खुद दिल्ली से चलते हैं, पता नहीं क्या कहां से चलते हैं, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा, वो कहते हैं मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, जो आपके सामने बैठा है वो राहुल गांधी है ही नहीं, है ना। मतलब भारत जोड़ो कैसे भी करो यार उनको, क्या कुछ शुरू कर देते हैं बीएमसी के लिए, बीएमसी के लिए तो प्रीति जी है, बीएमसी चुनाव आएंगे जब भी आएंगे, आम आदमी पार्टी हर इलेक्शन लड़ेगी, अब हम मैदान में है, अब कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि हम ये नहीं लड़ेंगे। हमने गुजरात में इलेक्शन लड़ा, 13% वोट मिले, राष्ट्रीय पार्टी बनी, 5 MLA आए, खाता खुला, तो हम लोग राजनीतिक पार्टी है, तो हर इलेक्शन में चाहे वो गांव प्रधान की है, सरपंच की है, चाहे वो बीएमसी है, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल है, चाहे नगर काउंसिल है, हम लड़ेंगे इलेक्शन, लड़ेंगे इलेक्शन, लड़ना हमारा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। बाकी माली का कम पानी पौना, पर मशका पावे, मालिक का कम फल फूल लौना, लावे या ना लावे, मालिक जो है लोकतंत्र में वो जनता है, जनता फल दे फूल दे ये उनके।